हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लास. दिस इज़ चैप्टर 7 ऑफ अवर इंग्लिश ग्रामर एंड चैप्टर 7 इज अबाउट आर्टिकल्स. सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे. ठीक है, जो हमारा मंडे का वीडियो था और जो ट्यूसडे की वीडियो है, दोनों को हमने इसमें कंबाइन कर दिया है और एक वीडियो बना रहे हैं. तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 हम दोनों को ही कवर करेंगे. ठीक है, तो देखिए आर्टिकल्स जो हमें पढ़ने हैं वो कितने दिए हुए हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, टू ही होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स. ठीक है, तो जो ए और एन है, ठीक, इन्हें हम क्या कहते हैं, और जो द है, ए एन और द, ये तीनों को ही हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स. ठीक, ये क्या करते हैं, ए और एन का मतलब क्या होता है, एक होता है. दोनों का ही अर्थ क्या होता है, एक. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्वांटिटी बताते हैं, नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं. राइट, तो जानते हैं सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं. ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स एज दे डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग. ए और एन जो है, इन दोनों को ही इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों किसी पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते, रिफ़र नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे हम कहें दी अ बॉय, अ गर्ल, अ विलेज. ठीक, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एक लड़का, कोई भी एक लड़की, कोई भी गांव, कोई सर्टेन नहीं है कि ये गांव है. ठीक, तो ये जो हैं ए और एन, दीज टू आर्टिकल्स आर नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल्स. ठीक है, और जो दा होता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. क्यों, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर प्लेस या थिंग को रेफ़र करता है. जैसे द यूएसए, द स्काई. ठीक है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. द स्काई, स्काई यूनिक ही है. द अर्थ हो गया, द सन हो गया. राइट, ये सभी यूनिक है. आई सॉ अ लेडी, यहाँ पर क्या है, ये अ लेडी क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल. क्यों, मैंने एक लेडी को देखा, वो कोई भी हो सकती है. ठीक है, शी हैज़ एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला उसके पास है. ठीक है, वो कोई भी अम्ब्रेला हो सकता है. नेक्स्ट हम यदि देखें थर्ड नंबर, वी थैंक द जेंटलमैन हु हेल्प्ड अस. यहाँ देखिए जेंटलमैन के आगे दा लगा हुआ है. क्यों लगा हुआ है, वो कह रहा है वी थैंक्स द जेंटलमैन, हमने उस जेंटलमैन का शुक्रिया अदा किया जिसने हमारी हेल्प की थी. आगे ये जो सेंटेंस लिखा हु हेल्प्ड अस, ठीक, मतलब ये पर्टिकुलर बन गया, कौन सा व्यक्ति जिसने हमारी मदद की थी. यदि यहाँ पर केवल लिखा होता, सपोज़ आप मान लीजिए यहाँ इतना बस होता, वी थैंक, तो द जेंटलमैन नहीं होता, वी थैंक अ जेंटलमैन. ठीक है, यदि ये सेंटेंस यहाँ ये नहीं होता पोर्शन, तो इसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, रिमेंबर ए ई आई ओ यू आर वोवल्स, ऑल अदर लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट आर कॉन्सोनेंट. आप जानते हैं ए ई आई यू जो होते हैं 5 लेटर्स, इन्हें हम वोवल्स कहते हैं, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. तो जो ए और एन का यूज़ है वो किस पर निर्भर करता है, लेटर्स के, वर्ड्स के साउंड पर. ठीक है, वर्ड्स के साउंड पर. यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने लेटर नहीं कहा, वोवल लेटर नहीं कहा, मैंने कहा वर्ड्स के साउंड पर ए और एन का यूज़ निर्भर करता है. तो यदि कोई साउंड स्टार्ट होता है वोवल से, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. ठीक है, वोवल साउंड, ना कि वोवल, वोवल साउंड. कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने वोवल लिखा हो लेकिन उसका जो साउंड है उसको बोलने में वोवल साउंड ना निकले, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम वोवल कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक, तो जैसे कि हम देख सकते हैं वोवल क्या होते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ, बिना टंग की यूज़ किए हम उनको बोल सकते हैं. जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, हिंदी में हो गया आ आ ई ई ए आई ओ ओ, है ना, ये सभी. तो एन का यूज़ हम किसके साथ लगाएंगे, जो वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं वर्ड. ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल हैं, एन एप्पल, एन एग, एन इग्लू, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला. तो यहाँ पर देखेंगे जैसे एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है, एप्पल यदि लिखा हुआ है तो आप साउंड देखिए शुरू का क्या आ रहा है, ए आ रहा है. राइट, तो ये वोवल साउंड आ रहा है इसलिए हम एन लगाएंगे. इसी तरह एन एग, एन इग्लू, एट्सेट्रा. फिर यदि कोई वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे या ए लगाएंगे. ठीक, जैसे मैंगो, मैंगो आप देखिए पहला लेटर ही क्या आ गया, ये आ रहा है. ठीक है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, मा शब्द आ रहा है, मा या एम. ठीक, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे,
आ लगाएंगे। ठीक इसी तरह अ कप, अ हाउस एट्सेट्रा। कुछ जो वर्ड हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बड़ी क्लासेस में भी, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिकॉर्न। तो यहाँ देखिए यूनिफॉर्म में आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यू लिखा हुआ है, यू तो आपका क्या है वोवेल है, बट उसको यू को आप देखिए उसका जो हम प्रोनंसिएशन कर रहे हैं उसका जो उच्चारण है वो क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ये यू, ये वोवेल नहीं होता। ठीक है ऊ तो होता है छोटा ऊ बड़ा ऊ, यू नहीं होता, इसीलिए इसके आगे क्या लगाएंगे हम, इसीलिए इसके आगे आ लगाएंगे ना कि एन। ठीक है तो इस तरह के कुछ ये वर्ड्स हैं जैसे कि यूरोपियन हो गए, यूनिकॉर्न हो गए, यूनिवर्सिटी, इन सभी के आगे क्या लगेगा, आ लगेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ये आप देख सकते हैं यू लिखा हुआ राइट, यू ना कि ऊ लिखा, यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म नहीं लिखा हुआ यूनिफॉर्म लिखा, यदि यूनिफॉर्म होता इस तरह कुछ तो हम लगाते हैं। इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जिनमें एच साइलेंट होता है, ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एनआर, ठीक है ऑनरेबल, एनआनर, ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ भले ही एच लिखा हुआ है, भले ही एच लिखा, हम जानते हैं एच कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड होगा इसको जब हम बोलेंगे, लेकिन ये हा हा के प्रोनंसिएशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है लेकिन जब हम ये एक सपोज़ आपके पास लिखा हुआ है ये एच ओ ई एन एस टी, तो हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है तो पहला जो वर्ड है हमारा वो क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, इसलिए हम क्या है वोवेल साउंड आ रहा है, सॉरी वर्ड मैंने बोल रहा हूँ वोवेल साउंड आ रहा है, इस कारण से हम इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे ना कि ए। अब ये बात अलग है यदि आप हॉनेस्ट पढ़ेंगे तो फिर आप सेलेक्ट करके आएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, और आवर हो गया जिसको हावर बोलते हैं आप लोग या बहुत से लोग, ठीक है जो अच्छा जो सही बोलते हैं इट्स ओके, ऑनरेबल हो गया, ऑनेस्ट पर्सन हो गया, ठीक है एन आर ऑनर हो गया, इनको आप याद रखिए इनके आगे हम एन लगाते हैं हमेशा। ठीक है फिर एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन जो होते हैं वो किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकें, सिंगुलर सिंगल हो, ठीक तो उनके साथ भी हम लगाते हैं, जैसे अ कॉटेज हो गया, एन एप्पल हो गया राइट। इसके बाद ए और एन जो है इसका कुछ नंबर्स के आगे भी हम यूज़ करते हैं, जैसे अ हंड्रेड हो गया, अ क्वार्टर हो गया, अ डॉलर हो गया, अ लीटर हो गया, इस तरह से कुछ वर्ड्स। ठीक है यहाँ फिर उसके बाद है हमारे पास ए और एन जो होता है इसका हम कई बार कुछ कंडीशन, इमोशन या स्टेटस पोजीशन को बताने के लिए भी करते हैं, अ पिटी, अ मिजरी, अ नॉइस, अ हेडेक राइट, इनके लिए भी। अब हम बात करते हैं दा के लिए, ठीक है दा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा रूल्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो चलिए दा को क्योंकि हम जानते हैं इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, पहले ही हमने बात की थी डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, तो हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के आगे, किसी विशेष व्यक्ति या जानवर या वस्तु के आगे हम ये स्थान के नाम के आगे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है जैसे हम देख सकते हैं दिस इज़ द मैन हु सेल्स वेजिटेबल, तो यह वह आदमी है जो वेजिटेबल बेचता, तो ये यहाँ पर हु सेल्स वेजिटेबल ये इसको क्या कर रहा है, पर्टिकुलर बना रहा है। ठीक है इसी तरह दिस इज़ द बॉय हु रन्स अ टॉय शॉप राइट, तो ये कुछ एग्जांपल हैं डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल के। फिर इसके बाद ये आप याद रखिएगा दा का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, गल्फ्स, माउंटेन एक्सेट्रा, नदियों के नाम के आगे, गल्फ्स के नाम के आगे, माउंटेन्स के नाम के आगे, इनके आगे हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियाँ इनके आगे हम दा लगाएंगे। फिर माउंटेन्स जो हो गए यहाँ पर आपका हिमालयाज आर द हाइएस्ट, हिमालयाज, आल्प्स, एंडीज, ये सभी माउंटेन्स। ठीक फिर लंदन इज सिचुएटेड ऑन दी थेम्स, ये नदी का नाम है थेम्स। ठीक तो इस तरह से अरेबियन सी, ये सीज हो गए, फिर इंडियन ओशियन राइट, पर्शियन गल्फ, तो इनके आगे हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। इसके बाद जो हमारी हॉली बुक्स हैं मतलब पवित्र जो धार्मिक बुक हैं उनके नाम के आगे भी हम दा लगाते हैं, जैसे द गीता, ठीक है द गीता, द बाइबल, द कुरान एट्सेट्रा, इस तरह से। ठीक फिर इसके बाद तीसरी चीज़ किसके साथ हम लगाते हैं, नेम्स ऑफ डेली न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर आते हैं उनके नाम के आगे भी हम दा लगाते हैं, द ट्रिब्यून, द नवभारत टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक इस तरह से हम दा इनमें भी लगाते हैं।
नेक्स्ट हमारा बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री जब फॉर्म लिखी हो, जैसे टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सभी क्या होते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं। तो जब ये यूज़ हो रहा है तब हमको क्या लगाना है, द लगाना है, जैसे द क्लेवरेस्ट, द टॉलेस्ट, राइट, द हैवीएस्ट, इस तरह के जो एडजेक्टिव होंगे जब ई एस टी जिनमें लगा होगा या सुपरलेटिव होंगे तो उनमें हम द लगाएंगे। फिर बिफोर कॉमन नाउन विच आर नेम ऑफ थिंग्स यूनिक, जो यूनिक चीज़ें संसार में यूनिक हैं, सबसे अलग हैं, उनके जैसा कोई नहीं, उनके आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे सूर्य हो गया है ना, स्काई हो गया, एक ही है, अर्थ भी एक ही है, चांद भी एक ही है, राइट। तो ये सब में हम क्या लगाएंगे, द लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के नाम के आगे भी हम द लगाते हैं। ये आप याद रखिएगा किन के आगे द लगाते हैं, ये जनरली नहीं पूछा जाता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द का थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। इसके बाद है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एज द रिच शुड हेल्प द पुअर, कुछ इस तरह के एडजेक्टिव में, ठीक है, जब नाउन क्या है अंडरस्टूड होते हैं, द रिच शुड हेल्प द पुअर। फिर इसके बाद वी पिटी द ब्लाइंड, यहाँ पर द रिच का मतलब एक व्यक्ति अमीर नहीं है, यहाँ पर जो अमीर लोग हैं, द रिच का मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब, तो इसका मतलब है जो अमीर हैं उन्हें क्या है, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक। वी पिटी द ब्लाइंड, हमें जो है हम दया करते हैं किस पर, अंधों पर। तो इस तरह की चीज़ों में भी हम द लगाते हैं। इसके बाद बिफोर प्लूरल प्रॉपर नाउन्स सच एज नेम्स ऑफ पीपल, प्लूरल प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, कुछ जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ठीक, उनके आगे भी हम, या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, उनके नाम के आगे हम द लगाते हैं। लास्ट है जब सिंगुलर कॉमन नाउन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी होल क्लास को, ठीक, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ द डॉग का मतलब ये कुत्ता नहीं, सारे ही जो कुत्ते, कुत्तों की बात कर रहे हैं, तो कुत्ते जो होते हैं क्या होते हैं, फेथफुल जानवर होते हैं। द हॉर्स इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ एक घोड़े का मतलब नहीं है, यहाँ पर जितने भी घोड़े होते हैं, घोड़ा जो प्रजाति है। इसके बाद है ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, आर्टिकल द कहाँ नहीं लगेगा, ओमिशन का मतलब क्या होता है, हटाना या ना यूज़ करना। तो द कहाँ कहाँ नहीं लगाया जाता, देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, उसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं द इंग्लिश नहीं होगा, ठीक, द संस्कृत नहीं होगा। प्रॉपर नाउन के आगे हम नहीं लगाते, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, किसी शहर का नाम है, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी जगह, कितना भी बड़ा महान आदमी क्यों ना हो, हम उसके आगे द नहीं लगाते, ठीक। कुछ केस में लगेगा, बट वो अभी आप उसको मत जानिए, अभी आपके को नहीं पूछा जाएगा। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज इन जनरल सेंस, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं जनरल सेंस में जो यूज़ होती हैं, उनमें हम द लगाते हैं। किंग अशोका लव द ट्रूथ, लव ट्रूथ एंड विजडम, ऑल सेंट्स बिलीव इन मर्सी, तो ये सभी क्या के भी हम नाम नहीं लगाते हैं, ठीक। इसके बाद है बिफोर मटेरियल नाउन, नाउन मटेरियल नाउन दी है तो उसके आगे भी हम द नहीं लगाते हैं, ठीक है। गेम के नाम जैसे द क्रिकेट, द फुटबॉल, ये सब हम नहीं लगाते हैं। फिर है नेम्स ऑफ मील, जो खाने भोजन के नाम होते हैं उनके आगे हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्लूरल नाउन होते हैं जिन्हें जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है, उसमें भी हम नहीं लगाते हैं। और कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, बाय ट्रेन, इनमें भी हम द नहीं लगाते हैं। इसके बाद कुछ और एक्सप्रेशन है, जैसे कि गो टू स्कूल, तो गो टू द स्कूल नहीं होगा, चर्च, मार्केट, ठीक है, इस टाइप से ये जो हैं इनमें हम द नहीं लगाएंगे। फिर सर्टेन वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रेजेस, कुछ जो फ्रेजेस हैं इनमें भी हम द नहीं लगाते। टॉम इज़ एट द होम नहीं होगा, ठीक है, टॉम इज़ एट होम, ही ट्रेवल्स बाय डे, विल लीव होम एट 4 o'clock, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। चलिए इसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक। देयर आर कितने आर्टिकल्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक, डेफिनेट और इनडेफिनेट। देयर आर वॉवल्स, कितने वॉवल्स हैं, 5, ठीक। द एज कौन सा होता है, डेफिनेट होता है। फिर एन एज इनडेफिनेट आर्टिकल,
ठीक है, इनको आप जो है अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी नंबर, ये क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ए और एन का यूज़ करना हमें, अंकल सैम लिव्स इन अ स्मॉल हट इन अ फार्म हाउस, ठीक है। इसके बाद वी आर इन अ हरी, माई फ्रेंड नेवर टेल्स अ लाई। फिर है हेनरी इज एन अमेरिकन डॉक्टर, शी स्पोक अ लाउड वॉइस, ठीक है, एक ही में आ रहा है। एक ही में आएगा। चलिए इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट में लेते जा रहा हूँ, ये आपको सेंड कर दूँगा। यूज़ क्या करना है, ए एंड एन टू रिप्लेस वन ईच एंड एवरी। मदर गिव्स अस बिटर ग्राउंड टू ईट वंस एवरी वंस, यहाँ पर वंस अभी कर दीजिए, ठीक है। फिर ही रिसीव अ लेटर तो यहाँ पर क्या बता देंगे, ही रिसीव्स अ लेटर इन अ ईयर हो जाएगा, ठीक है। पहले में आप आ भर दीजिएगा, फिर इन अ ईयर, राइट। फिर आई गेट ₹30,000 वंस अ मंथ, ठीक है। इसके बाद है आपका थर्ड है वन अंकल, मतलब एन अंकल, ठीक है, एन अंकल एंड एन आंट, इनकी जगह लगाएंगे, ठीक है। लिव विथ मी, रमेश विजिट हिज ग्रैंड मदर वंस ईच वीक, वंस अ वीक, ठीक है। ये आपको क्या करना है, फिल करना है, तो इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पर ये आपका काफ़ी छोटी एक्सरसाइज थी, एक मिनट देखें कुछ मिस तो नहीं हो गया, इतना ही 28, 29, यस, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हमारा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, वर्ब। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्ब। चलिए वर्ब की बात कर लेते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया मतलब आप जो कोई कार्य यदि कर रहे हैं, किसी चीज़ का होना, ठीक, कार्य का करना, कार्य करना, कोई भी कार्य, ठीक है, केवल कार्य करना नहीं, कोई भी चीज़ का होना, ठीक है, वो कहलाती है वर्ब। तो वर्ब क्या है, वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन। वर्ब एक शब्द है जो कि क्या बताती है, एक्शन। एक्शन मतलब कार्य, जैसे प्रिया सैंग एंड डांस, तो यहाँ पर प्रिया ने क्या किया, गाया और डांस किया। तो जो एक्शन कार्य उसने दो कौन कौन से किया, एक उसने सिंगिंग की और दूसरे उसने डांसिंग की, ठीक है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारी ये वर्ब हो जाएंगी, ठीक। जो काम कोई कर रहा है वो वर्ब होता है। तो जो वर्ब होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे सेंटेंस में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रेडिकेट का जो है इसेंशियल पार्ट होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, तो जो प्रेडिकेट होता है उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, ठीक। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ ज़रूरत पड़ने पर करते हैं, ठीक। कुछ ये एग्जांपल लिखे हुए हैं क्वेश्चन टैग बनाने के, ठीक। क्वेश्चन टैग कैसे, दे नो हर, इसके बाद क्या लगा हुआ है, डोंट दे, शी डिड इट डिडेंट शी, ये अपन डिस्कस करेंगे यदि क्वेश्चन में होगा तो, अदरवाइज क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लुक एट दीज चेंजेस, यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं क्या, डू से हमने डोंट बनाया, ये आप देखिए डू से डोंट, डिड से डिडेंट, है ना, डस से डजेंट, तो डजेंट, तो डो यहाँ पर
डोंट का मतलब होता है क्या, डोंट इज इक्वल टू डू नॉट, ठीक है, कंफ्यूज मत आप होना, राइट। फिर मेकिंग वर्ब फ्रॉम नाउन्स, नाउन से हम कैसे वर्ब बनाते हैं, ठीक है, तो सम नाउन कैन बी यूज्ड एज वर्ब, कुछ जो नाउन है वो हम वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे माय डॉग लीसा हैड अ लिटर ऑफ सरप्राइज, लिटर ऑफ पपीज, ठीक, लिटर यहाँ पर क्या है, नाउन, डू नॉट लिटर, यहाँ पर लिटर क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसके बाद चलिए, गिव वन वर्ड वर्ब फॉर दीज वर्ड्स इन इटैलिक टाइप, यू मे चूज फ्रॉम दी वर्ब्स गिवन अबव, जो ऊपर वर्ब दी हुई हैं उनमें से हम चेक कर सकते ले सकते हैं। एक एग्जांपल दिया, हमें करना क्या है, दी मर्सिडीज कार वेंट आउट ऑफ साइट राउंड द कॉर्नर, दी मर्सिडीज कार डिसअपीयर्ड, तो यहाँ पर वेंट आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट मतलब नज़रों से दूर होना, तो उसकी जगह एक क्या दी गई है, वर्ब यूज़ की गई। चलिए देखते हैं, एज वी केम टूवर्ड्स द हाउस वी कुड हियर द लाफ्टर, तो यहाँ पर हम कहते हैं केम टूवर्ड्स मतलब एज वी फॉलोड द हाउस कर देते हैं, ठीक है, या अप्रोच्ड कर देते हैं, ये बेटर रहेगा, अप्रोच यहाँ पर लिख दीजिए, एज वी अप्रोच्ड, तो अप्रोच की स्पेलिंग आपको पता है क्या होगी, चलिए मैं लिख देता हूँ, ए डबल पी आर ओ ए सी एच ई टी, एज वी अप्रोच, ठीक है, गलत हो तो सुधार लीजिएगा। द हाउस वी कुड हियर द लाफ्टर, ठीक, फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, थॉमस बिगेन टू से हाउ सॉरी ही वॉज, तो थॉमस बिगेन टू, थॉमस बिगेन टू से हाउ सॉरी ही वॉज, सॉरी वो कह रहा था, मतलब वो माफ़ी मांग रहा था फॉर रेजिंग हिज वॉइस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थॉमस बिगेन टू तो चलिए यहाँ पर हम रिग्रेट लिख देते हैं, बिगेन टू रिग्रेट, ठीक है, रिग्रेट कर देते हैं, रिग्रेट मतलब पछताना, ठीक। अपोलोजाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर, अपोलोजाइज करना मतलब माफ़ी मांगना होता है, चलिए कोई बात नहीं है, रिग्रेट ही रखते हैं यहाँ पर। थर्ड क्या, दी बॉयज मूव क्वाइटली अप टू द थीफ एंड देन पाउंस अपॉन हिम, तो यहाँ पर फॉलोड हो जाएगा, यहाँ फॉलोड कर देते हैं, ठीक है, द बॉयज फॉलोड, तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ पर, फॉलोड, ठीक है। इसके बाद सीइंग द ब्लेजिंग कॉटेज एवरीवन रन टू पुट आउट द फ्लेम, पुट आउट मतलब बुझाना, एग्जॉस्ट, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश कर देते हैं, पुट आउट मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विश, इसकी जगह क्या कर देते हैं, आगे लिखता हूँ, एक्सटिंग्विश कर देते हैं, हाँ ठीक है, इसको आप कर दीजिए। GUISH, ठीक है। फिर ऑन द हाईवे द कार इंक्रीज्ड इट्स स्पीड, तो क्या हो जाएगा, द कार इंक्रीज्ड इट्स स्पीड, तो इसको स्पीडेड कर देते, दी कार स्पीडेड, ठीक है, इसकी जगह स्पीडेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसमें एक्सरसाइज पेज हैं हमारे पास, टू पेजेस हैं, वर्ब्स कैसे बनाना, ये यहाँ पर दिए हुए हैं, नाउन कैन बी मेड इनटू वर्ब्स बाय एडिंग ई, इस तरह से क्लोथ का क्लोथ हो जाएगा, बिट का बाइट हो जाएगा, ठीक,
बात का भेद हो जाएगा, इस तरह से हमें कुछ बनाने हैं। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं क्या क्या है। पहला हमें क्या बताने हैं, वर्ब शोज एक्शन, ठीक है। सम कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद है आई रीड अ बुक, आई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन सेंटेंस वर्ब, ये आपके एमसीक्यू हो गए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, मैचिंग करना है, मैच द नाउन विद द वर्ब्स गिवन इन द नेक्स्ट कॉलम एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। द नाइट एंगल, तो यहाँ पर सैंग स्वीटली और ये वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है। द बॉय, बॉय क्या कर रहा है, बॉय तो पढ़ रहा है, चलिए देखते हैं क्या है। द लॉयन रोड, ठीक है, ये अंडरलाइन यहाँ कर लीजिएगा। द प्रीस्ट प्रेड फॉर रेन, ठीक है, वर्ब हो जाएगी प्रे। द चिल्ड्रन प्लेड इन द ट्रेन, ये हो जाएगा। उसके बाद है दी बॉय, एक ही बचा, हाँ, दी बॉय येल्ड फॉर दी हेल्प, ठीक है, येल मतलब होता है आवाज़ लगाना, इनको आप कर लीजिएगा। इसके बाद है मैचिंग, यहाँ भी करनी है, अप्रोच करना मतलब एक मिनट, इसमें शायद और वर्ड हैं, हाँ काफ़ी सारे वर्ड हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। अप्रोच करना मतलब कम टूवर्ड्स, ये हो गया। फिर है अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, सॉरी कहना, ठीक। फिर उसके बाद एक्सेलरेट करना मतलब इंक्रीज करना, ठीक। बिल्ड मतलब बनाना, ठीक है। उसके बाद है, एक मिनट इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर देता हूँ, ये आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अप्रोच करना मतलब पास में आना, अपोलोजाइज मतलब ये, एक्सेलरेट का ये हो जाएगा इंक्रीज स्पीड, बिल्ड मतलब बनाना। फिर फिफ्थ में क्रीप मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉल करना। इसके बाद है डिसअपियर मतलब क्या हो जाएगा, टू गो आउट ऑफ साइट। एक्सटिंग्विश मतलब क्या हो जाएगा, आपको बुझाना। फिर हो जाएगा फ्लिंग मतलब क्या हो जाएगा, थ्रो केयरलेसली। ग्राइंड मतलब मेक फाइन, नाइन हो जाएगा ये आपका, एट हो जाएगा। हाइबरनेट मतलब क्या हो जाएगा, डीप विंटर स्लीप ऑफ सम एनिमल, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर ई हमें ऐड करना है वर्ब बनाने के लिए, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ब्रीथ हो जाएगा, ई जोड़ दीजिए, क्लोथ में ई जोड़ दीजिए आप, ठीक है। बाइट हो जाएगा, पेथ हो जाएगा, यहाँ पर लाइफ का, लाइफ का आपका एल ई वी ई कर दीजिए, ठीक है। क्या हो गया, अरे एक मिनट, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जा रही है, चलिए लाइव पे लाइव हो गया, सही आ गया। इसके बाद है एड ई एन, तो डार्क एन हो जाएगा, इसके बाद वीक एन हो जाएगा, इसके बाद डीप एन हो जाएगा, इसके बाद सॉफ्ट एन हो जाएगा, इसके बाद मॉइस्ट एन हो जाएगा, ठीक है। इनको आप जो है, चलिए नेक्स्ट है, सम वर्ब्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू डिड डज, ये जो हैं इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसमें क्या करना, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स डू डिड डज टू कंप्लीट द सेंटेंस।
करेक्ट हमें यूज़ करना है, करेक्ट सिलेक्शन करना है। तो देखते हैं, वॉट डू डिड यू वेन द मंकी इंटर्ड योर रूम। तो इंटर्ड लिखा मतलब पास्ट टेंस का है, तो वेन वॉट डिड, यहाँ पर डिड लगाएंगे आप, वॉट डिड यू डू, ठीक है, यहाँ पर आपको वॉट डिड यू डू हो जाएगा। इसके बाद हाउ दिस ट्यून साउंड, हाउ डिड दिस ट्यून साउंड, हाउ डू दिस ट्यून, ये हो जाएगा हाउ डू, ठीक है। फिर आई डिड नॉट डू इट, ही डज इट, ही डिड इट। तो यहाँ पर आप कराएंगे आई डिड नॉट डू इट, ही डिड इट, ठीक। फिर जमाल क्या हो जाएगा, यस्टरडे है मतलब डिड लगेगा। इसके बाद डू यू नो हाउ टू, ठीक है। इसके बाद है आपका मिस्टर नायर डज नॉट हैव एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, डू ही नीड, यहाँ डज लगेगा। फिर डू ही डज इट ऑन पर्पस, तो यहाँ हो जाएगा डिड ही डू इट ऑन पर्पस, ठीक है, ये आप लगा लीजिए। यहाँ आप चाहें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डू किसके साथ लगेगा, आई यू और वी और दे, ठीक है। और डस किसके साथ लगाएंगे आप, ही शी इट और कोई नाम लिखा है, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट भी है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुट क्वेश्चन टैग्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग बनाने हैं, ठीक है। चलिए, द गुप्ताज वेंट टू नैनीताल, तो यहाँ पर हो जाएगा डिडंट दे, ठीक है। अरुण राइट्स वेल, तो यहाँ हो जाएगा डज डजंट ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यू नो देम वेल, तो डोंट यू, ध्यान रखिए यदि नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगेगा क्वेश्चन टैग में, मतलब डिडंट डजंट इस तरह से बनेगा, यदि नॉट लगा हुआ है तो सिंपल बनेगा। योर रेडियो वर्क्स, सो डजंट इट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। आशा भोसले सिंग्स ब्यूटीफुली, सो हो जाएगी डजंट शी, ठीक है। फिर द अमेरिकन्स लिव वेल, सो डोंट दे क्वेश्चन मार्क। फिर है ही वॉन द रेस, क्या हो जाएगा डजंट अच्छा वॉन सेकेंड फॉर्म लिखा तो डिडेंट हो जाएगा, ये डिडेंट ही डिडेंट वी, ही पेंट्स फॉर अ लिविंग, सो डजंट ही, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ही ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है इसकी, चैप्टर 8 की, ठीक। तो हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया ग्रामर बुक में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।